उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। परिवार में नेपाली नौकरानी ने इस वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही बताया जा रहा है। इस नौकरानी को कुछ दिन पूर्व इस परिवार ने अपने घर के सदस्य की तरह रखना शुरू किया था। इस नेपाली नौकरानी ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है इस नेपाली नौकरानी ने परिवार के लोगों को बेहोश की दवा मिलाकर दूध और अन्य जूस आदि पिलाया और उसके बाद बेहोशी की हालत में ही परिजनों को घर में रखे बेड के साथ बांध कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि परिवार के एक सदस्य के साथ मारपीट तक की गई और उससे बार बार उस लॉकर का कोड वर्ड पूछा गया, लेकिन कोड वर्ड नहीं बताने के चलते बड़ा लॉकर जो था उसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाया। बहरहाल इन बदमाशों ने कई अलमारियों और लॉकर्स को तोड़ा और उनसे उनमें रखा हुआ सामान लेकर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के पूरी तरह होश में आने के बाद पता चल पाएगा कि लूट की वारदात के दौरान क्या क्या सामान लूटा गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और एडिशनल एसपी सहित तमाम आला अधिकारी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए, वाइटेक्स होम्स क्लीन होम्स। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।